आजकल धरती लोक के सभी लोग पाताल लोक में बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। अरे, हमारा मतलब है कि हर घर में आजकल पाताल लोक नाम का वेब सीरीज काफी चर्चे में है और इस वेब सीरीज के हीरो हाथीराम चौधरी ने काफी तूफान मचा रखा है। इनका असली नाम है जयदीप अहलावत। जयदीप इन दिनों खूब चर्चे में है अपनी सीरीज पाताल लोक को लेकर। इस सीरीज में जयदीप ने दिल्ली के आउटर जमुना पार्क के इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी का रोल किया है। आज जिनको सभी लोग पहचानते हैं, क्या आपको पता है कि वो इससे पहले अजय देवगन और अक्षय कुमार जैसे बड़े हीरोज के साथ भी काम कर चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन हीरोज के साथ काम करने के 12 साल बाद जयदीप खुद हीरो बने हैं। आइए आज इस वीडियो में हम आपको हाथीराम चौधरी उर्फ जयदीप अहलावत की रियल लाइफ कहानी से रूबरू कराते हैं। जयदीप हरियाणा के मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं। उनका बचपन से ही एक सपना था आर्मी में जाने का। कई बार वो एसएसबी यानी कि सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा में बैठे लेकिन इस एग्जाम को पास नहीं कर पाए। जयदीप ने कई कोशिशें की लेकिन अपनी आखिरी कोशिश में भी जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ आर्मी में तो वो डिप्रेस हो गए। अब उन्हें क्या पता था कि वो आर्मी में जाने के लिए नहीं बल्कि ग्लैमर इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करने के लिए बने हैं। जब उन्हें लगने लगा कि अब वो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे तब उनकी जिंदगी में एंट्री मारी एक्टिंग ने। अपने शुरुआती दिनों से ही जयदीप नाटकों में हिस्सा लिया करते थे, कॉलेज में ड्रामा वगैरह करते थे। आर्मी का सपना टूटने के बाद वो फिर से स्टेज पर चढ़े और ड्रामा की दुनिया में घुसे जहाँ उनका मन लगने लगा। दरअसल जयदीप को लगा कि उनके मन में जितना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन था वो इन किरदारों के माध्यम से निकाल सकते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद उन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। 2008 में FTII से पास आउट होने के बाद जयदीप मुंबई आए और हर स्ट्रगलर की तरह उन्होंने भी कई प्रोडक्शन हाउसेस के खाक छाने। काफी मेहनत के बाद उनके हिस्से दो फिल्म आई, पहली आक्रोश और दूसरी खट्टा मीठा। आक्रोश में वो अजय देवगन, अक्षय खन्ना और फिल्म मेकर प्रियदर्शन के साथ काम कर रहे थे। रोल छोटा था पर उनका मकसद यही था कि इंडस्ट्री के लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि उन्हें एक्टिंग आती है। इसके बाद प्रियदर्शन ने उन्हें फिल्म खट्टा मीठा में अक्षय कुमार के ऑपोजिट मेन विलन के रोल में कास्ट किया। लेकिन ये दोनों ही फिल्में जयदीप के लिए कुछ खास फायदेमंद साबित नहीं हो पाई। फिर 2012 में जयदीप चिट्टागोंग नाम की पीरियड फिल्म में नजर आए मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव के साथ। असल मायनों में ये वो फिल्म थी जो उनके लिए गेम चेंजर साबित हुई। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें काफी प्रशंसा मिली इस फिल्म के बाद, पर इसलिए क्योंकि उनकी जिंदगी में आए मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी वो फरिश्ता बनकर आए जयदीप की जिंदगी में जिनके रेकमेंडेशन पर गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी सुपरहिट फिल्म मिली जयदीप को। जयदीप यूं तो काफी कम समय के लिए है फिल्म में लेकिन पूरी फिल्म में कहानी शुरू उन्हीं से होती है, उनके बदले से होती है और फिल्म में कई बार उनके कैरेक्टर का जिक्र भी होता है। इस फिल्म से इंडस्ट्री में सभी को पता चल गया कि जयदीप वाकई बेहतरीन अभिनय कर सकते हैं। जयदीप को अब बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर्स आने लगे थे। इस कड़ी में उनकी पहली फिल्म रही विद्युत जामवाल स्टारर कमांडो। इसमें जयदीप का रोल थोड़े क्रेजी फनी टाइप के विलन का था। इसके बाद वो कमल हसन के विश्वरूपम में एक बार फिर से नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आए। उनकी इस स्ट्रीक को तोड़ा अक्षय कुमार के गब्बर इज बैक ने। इसमें जयदीप एक पुलिस वाले बने थे। फिर वो शाहरुख के साथ रईस में भी एक छोटे से रोल में नजर आए। ये सब बहुत ही बढ़िया चल रहा था पर जयदीप को अपने रोल्स को लेकर कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। ऐसे में मेघना गुलजार ने जयदीप को अपनी फिल्म राजी ऑफर कर दी। ये लीड रोल नहीं था पर काफी चैलेंजिंग था। इस फिल्म में उन्होंने आलिया के ट्रेनर खालिद मीर का किरदार निभाया था। ये कैरेक्टर को लोगों ने काफी पसंद किया और उन्हें लोग स्क्रीन पर थोड़ा और देखना चाहते थे। अब सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में नहीं बल्कि जयदीप ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी एंट्री मार ली थी। जयदीप नजर आए नेटफ्लिक्स फिल्म लव स्टोरीज में दिबाकर बैनर्जी वाले सेगमेंट में। शाहरुख खान के प्रोडक्शन बैनर के तले बनी सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड में भी वो नजर आए थे और अब पाताल लोक के लिए वो तारीफें बटोर रहे हैं। सबका टाइम आता है, बस कब और कहां ये किसी को नहीं पता।
आपका क्या कहना है इस बारे में, बताइए हमें अपने कमेंट्स के जरिए। बॉलीवुड और टेलीविजन के मसालेदार अपडेट्स और स्पाइसी गॉसिप्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल फिल्मी ड्रामा को।